यूपी के फतेहपुर जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जिले में उद्यमियों द्वारा लगाए गए 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का बखान करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए टिप्पणी का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश और विदेश अपने साथ है। जब घटना घट रही थी तो कोई भी काम कहीं हो सकता है। इन घटनाओं पर किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी की मैं निंदा करती हूं। कांग्रेस के नेताओं ने 70 वर्षों में 55 साल की राजनीति की है। राजनीति के साथ उन्होंने देश के साथ क्या किया उसका जवाब वही दे सकते हैं। उन्होंने 1971 के युद्ध में इंदिरा ने पाकिस्तान को घुटना टिकवाने वाले बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि जब 1971 में युद्ध हुआ था तो पूरा देश साथ था, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। अगर कांग्रेस इस मामले में सवाल खड़ा कर रही है तो कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है। राजनीति करनी हो तो विकास के नाम पर राजनीति करें और इस मामले में राजनीति ना करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और मुझे लग रहा है कि किसी घड़ी में जहां पूरा देश और देश से बाहर पूरे विश्व के लोग निर्मम निहत थे, और मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह से कायरता पूर्वक पाकिस्तान ने हमला करके हमारे 40 और उसके बाद 5 और हुए 45 नौजवानों को जिस तरह से शहीद होना पड़ा, मुझे लगा कि इस दुखी की घड़ी में किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। जब घटना घट रही थी उस समय कोई भी कहीं हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी 2 दिन के बाद कांग्रेस के द्वारा आना अच्छा नहीं है। कि माननीय प्रधानमंत्री जितना इस मुद्दे पर गंभीर हुए, पूरे विश्व के उन देशों को भी भारत के साथ खड़ा होना पड़ा जो देश कभी भारत को देखना भी पसंद नहीं करते थे। और मुझे लग रहा है कि घटना के तुरंत बाद अमेरिका जैसे देश ने तुरंत संवेदना व्यक्त की और इस घटना की निंदा की, तो मुझे लग रहा है कि इन घटनाओं पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। इन घटनाओं पर किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, और इस तरह की बयानबाजी की मैं निंदा करती हूँ, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ मेरा देश का नौजवान शहीद हुआ है, उन परिवारों से पूछो, मैं तो उन परिवारों में गई हूँ, देख करके मेरा तो आज भी अंदर से मन अच्छा नहीं है कि एक योद्धा की युद्ध करते हुए गया, और युद्ध करते हुए जाता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ करके गया हूँ। ऐसे मेरे निर्मम उन नौजवानों की निर्मम हत्या मैं कह सकती हूँ कि जो शहीद हुए हैं, मैं उस घड़ी को मैं जब स्मरण करती हूँ, उन परिवारों को स्मरण करती हूँ, मुझे लग रहा है कि हमें कम से कम उन परिवारों का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब तो मैं कांग्रेस के नेता ही दे सकते हैं जिन्होंने 70 वर्षों में 55 साल राजनीति की है, और राजनीति के साथ उन्होंने क्या किया देश के साथ, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी पर इतना जरूर कह सकती हूँ, इतना प्रधानमंत्री जी को दुखी मैंने कभी नहीं देखा। आपने देखा होगा जब एयरपोर्ट में माननीय गृह मंत्री जी पार्थिव शरीर लेकर के आए थे, उनका नमन करते हुए परिक्रमा लगा रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू गिर रहे थे। तो मैं कह सकती हूँ कि जितना संवेदनशील हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा, सेना के साथ पूरा देश खड़ा, पूरा विश्व खड़ा है, मैं इस विषय पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। कि जब इंदिरा गांधी ने किया था उस टाइम भी पूरा देश था, किसी देश ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया था, आज भी कोई पूरा देश सवाल नहीं खड़ा कर रहा, और यदि ये कांग्रेस खड़ा कर रही तो अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कश्मीर के राज्यपाल ने कहा है कि जब ये सेना बाहर निकल रही थी उनके प्रोटोकॉल को लेकर पहले से जानकारी दी गई थी, ऐसा मैसेज जताया गया था, और जो इसके इस पे ध्यान नहीं दिया गया। देखिए ये जांच का विषय है, वो जांच माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश विदेश मंत्रालय उस पर पूरा निगाह रखे हुए, उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। कांग्रेस तरफ बयानबाजी क्यों कर रही है 7 दिन बीतने के बाद? मुझे लग रहा है कि पहले दिन का अपना राहुल गांधी और उनके नेता अपना बयान याद कर लें कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश है, राजनीति करना है तो विकास के नाम से करिए ना, कि आपने विकास क्या किया है, और मुद्दे हैं लेकिन यही मुद्दा बचा है राजनीति करने के लिए। मुझे लग रहा है कि इस संकट की घड़ी में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, दुखी की घड़ी में तो प्रत्येक व्यक्ति को और पूरे प्रत्येक हिंदुस्तानी को, वो परिवार अकेला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में खड़ा है, संवेदना व्यक्त करना, उनके साथ खड़े होना, उनका जो हो सके सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। राहुल गांधी जी जाए और कोई जाए, मैं तो समझती हूँ कि देश के विरुद्ध किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। यदि कोई देश के विरुद्ध बोलता है
तो मुझे लग रहा है कि वो देश में रह करके देश का विरोधी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।